एटा से खबर है, आपको बता दें यहां पर एक निर्माणाधीन पुल गिर जाने की खबर आ रही है और इस पुल के गिर जाने से कई लोग और कई वाहन इसके नीचे दबे होने की आशंका है। अचानक भरभराकर गिरे पुल से मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने कई लोगों को निकाल कर पर अस्पताल भेजा है और पुल पर काम कर रहे मजदूरों को गंभीर हालत में आगरा भी रेफर किया गया है। पुल का निर्माण पीएनसी कंपनी की तरफ से किया जा रहा था जिसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। मौके पर फिलहाल प्रशासन तैनात है, राहत और बचाव कार्य जारी है। इस खबर पर ताजा अपडेट लेंगे। एटा से हमारे संवाददाता राज वर्मा हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। राज, फिलहाल जानना चाहेंगे राहत और बचाव कार्य को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कोई संख्या सामने आई है, कितने लोग इसके नीचे दबे हुए हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा। मामला जनपद एटा के खिचैना पुल का है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है। वहाँ पीएनसी पुल के द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा था। उसी दौरान वहाँ पे जो बीम जो सपोर्टिंग फ्लाईओवर का होता है वो लोगों के नीचे गिर पड़ा। जी राज, अक्सर ये जब भी निर्माणाधीन पुल होते हैं तो उनके नीचे से किसी भी तरह के वाहन को जाने की इजाजत नहीं होती, इस तरफ रूट भी नहीं होता है, कोई ट्रैफिक भी नहीं जाने दिया जाता है, तो फिर ऐसे में इसके नीचे लोग और वाहन दबे क्यों? क्या इसकी कोई वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या वहां ट्रैफिक नहीं रोका गया था? सबसे बड़ी बात यह है, यही लापरवाही मानिए या कुछ भी मानिए, लगातार रोड का संचालन किया जा रहा था, ऊपर फ्लाईओवर का काम चल रहा था, लेकिन सर निर्माण हो चुका था लगभग, उसमें जो सपोर्टिंग बीम जो लगे हुए थे वो पीएनसी कंपनी के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। घटिया माल यूज किया गया है, लोगों का कहना है कि ये घटिया माल यूज किया गया है तभी पुल नीचे गिर चुका है, जो बीम गिरे हैं। और पूरा एक और चीज जानना चाहेंगे, फिलहाल प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लापरवाही तो हुई है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है और एक नहीं कई तरह की लापरवाहियां हुई हैं। लोग वहां पर काम कर रहे थे, उसके नीचे से ट्रैफिक जा रहा था, उसके नीचे से लोग जा रहे थे, कई लोग इसमें हताहत बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर क्या किसी कार्रवाई की बात सामने आई है? कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचा भी है या नहीं? जी सर, जनपद से आला अधिकारी वहाँ मौजूद है, मेरी बात हुई थी, अभी कोई अधिकारी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, अभी सभी घटने पे जांच में जुटे हुए। जी तो धन्यवाद राज पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें बड़े स्तर पर पुल बनाने वाली कंपनी की लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो निर्माणाधीन पुल होते हैं उनके नीचे से किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं जाने दिया जाता, वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, वाहन भी नहीं जाते हैं, लेकिन कई तरह की खामियां यहां पर रही। पुल के ऊपर जो काम कर रहे मजदूर हैं वो भी इस घटना में नीचे गिरे हैं, कई लोग हताहत बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तो मौजूद हैं लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की जवाब देने से बच रहे हैं।